जी बाबूजी। अरे अब का है? हाँ? अब खटिया रजाई भी चाहिए का? अब देखो अब कोई ज्यादा मदद नहीं हो पाएगी, जो होना था हो गया। जी नहीं बाबूजी, आपने खाने कुछ दे दिया, बैठने कुछ जगह दे दी, अब जी कुछ नहीं चाहिए जी। अरे फिर क्या बात है? हमारे दिल में एक बात आ रही थी बार बार कि इस घर में और कौन कौन रहता है। अरे हमारे घर वालों के बारे में जान के क्या करोगे भाई? क्योंकि हमारा भी कभी भरा पूरा परिवार होता था, इसलिए पूछ लिया आपसे। बाबूजी भगवान ने ना बड़ी नाइंसाफी की है हमारे साथ। अरे देखो रात बहुत हो गई है, और अपना ये दुखड़ा ना कहीं और जाके रोना, हमको जो मदद करनी थी वो हम कर चुके हैं। चुपचाप रात गुजारो और सुबह निकल लो यहाँ से। जी बाबूजी अब बुरा ना मानो बाबूजी। नहीं नहीं बुरा मानने वाली बात नहीं है, बात यह है ना कि हमारे घर वालों में से किसी को ये बात पता नहीं है कि हमने तुमको यहाँ रात गुजारने के लिए जगह दे दी है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि बस चुपचाप तुम रात गुजारो और सुबह होने से पहले निकल लो यहाँ से। ओए ठीक है बाबूजी, हम सुबह होते ही चले जाएंगे। अब हम सोते हैं बाबूजी। हाँ सो, और हमको भी सोने दो। हमको रह रहे के काहे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे मन का कैसा भरम है, इनकी आवाज भी थोड़ी थोड़ी पहचाने लग रही, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो जाए? अरे भैया भिखारी है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या हुआ मीनू, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे तो कुछ होश ही नहीं रहा, एकदम से झपके आ गए। क्या हुआ? तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा है। ये लो थोड़ा सा पानी पी। नहीं मामी, ये सपना नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी सांसें धीमी होती जा रही है, ये सपना नहीं था। ना बेटा ना, तू तो मेरी बहादुर बेटी है, तूने जरूर कोई बुरा सपना देख लिया है, इसीलिए इतना घबरा रही है। बस थोड़ी सी हिम्मत से काम लो। नहीं मामी, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है। मैंने मैंने कोई सपना नहीं देखा है। शायद मरने से पहले लोगों को जैसा एहसास होता है, वैसा ही कुछ महसूस कर रही हूँ मैं। क्या? हे भगवान, मामी कहाँ जा रही हैं? डॉक्टर को बुलाने। तो बुलाने से क्या फायदा है? अरे वही तो दवाई देंगे ना। नहीं अब पंकज को बुला दीजिए। अरे इतनी रात में? आपको रात और
मुझे तो लग रहा है कि जैसे मैं कल का सूरज भी नहीं देख पाऊंगी। ये कैसी बातें कर रही हो मीनू? मैं सच कह रही हूँ मामी, मेरी मौत मुझे अपनी तरफ बहुत तेजी से खींच रही है। मेरा बचना बहुत मुश्किल है। आप बस पंकज को बुला दीजिए। क्यों ऐसी बातें कर रही हो मीनू? क्यों हम सबको डरा रही हो? ऐसी बातें नहीं करती, ये अशुभ बातें हैं, इन्हें तो जुबान पे लाना भी नहीं चाहिए। जिसके दिन करीब होते हैं ना, उसके लिए शुभ और अशुभ कुछ भी नहीं होता है। क्या अच्छा क्या बुरा मामी, कुछ भी नहीं होता। आप बस पंकज को किसी भी तरह यहाँ बुला दीजिए। आज मेरी जिंदगी की आखिरी रात है, मैं उसको अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। मरते वक्त मैं सिर्फ उसी को देखना चाहती हूँ। मैं उसकी तस्वीर अपनी आंखों में लेकर भरना चाहती हूँ। मीनू, तुम क्यों इतनी डरी हुई और सहमी हुई बातें कर रही हो? कि जो भी मैं सब कह रही हूँ ना, ये सब सच है। आप बस किसी भी तरह पंकज को यहाँ ले आइए, चाहे आप उनके घर जाइए, उसे फोन कीजिए, लेकिन बस उसे यहाँ बुलाइए। उसे कहिए कि कल का सूरज जब उगेगा तो मेरी जिंदगी का सूरज डूब जाएगा। पर देखो मीनू, इतनी रात हो गई है, इस तरह किसी को फोन करना ठीक नहीं है। मम्मी प्लीज, अब पंकज को बुलाती क्यों नहीं है? जब मैं मर जाऊंगी तब बुलाएंगी क्या? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। अब डॉक्टर कुछ नहीं कर सकेगा मामी। सो गए हैं, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, कौनो आवाज नहीं है। मलकिन यही सही मौका है अंदर जाके देखने का कि अपनी बिटिया सोनिया घर में है कि नहीं। जाओ जल्दी। लेकिन दरवाजा खुला है का? तुमको पता नहीं है का? दरवाजे पे मम्मा सो रहा है, वो घोड़ा बेच के एकदम टांग पसार के सो रहा है। जाओ जाओ जल्दी घर में जाओ। देखो हम जाए और कौन जाएगा? अरे हमको काहे भेज रहे हो? हमको डर लग रहा है, तुम्हें कहीं नहीं जाते। किसी ने देख लिया और पकड़े गए तो क्या होगा? अरे डराए कह रही हूँ, पकड़ेगा कौन है? देख नहीं रही हूँ, सब सो रहे हैं। सीधे सोनिया बेटियों के कमरे में जाना। मलकिन अगर वो कमरे में होगी ना तो तसल्ली हो जाएगी। अरे तो ये काम तुम्हें कहीं नहीं करते हो? कैसी बात कह रही हो मलकिन? तुम्हें तुम्हार जाना ज्यादा सही रहेगा है कि तुम औरत हो। औरत है तो क्या हो गया? अरे ये आईडिया तुम्हारा है ना, तो तुम ही जाओ। अब तुम ज्यादा हमसे चपर चपर ना करो, समझे कि नहीं? जाओ जल्दी से। इसी तरह मैं यहाँ, हमको डर लग रहा है, अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? पकड़ेगा कौन? देख नहीं रही है, सब लोग सो रहे हैं। और अगर कौनो आएगा ना सामने तो धीरे से लुका जाना। जाओ मलकिन, अब यहाँ तक आए गए है ना तो तसल्ली कर लिया जाए अपनी सोनिया बिटिया भी ये घर में है कि वो हमरे लोगन की तरह दर दर की ठोकर खा रही है। अरे हम नहीं जाएंगे। चलो जल्दी से मलकिन, उठो उठो उठो। काहे भेज रहे हो? मम्मा से हम नहीं जाएंगे। मुंह धकेल रहे हैं? नहीं तो का? कैसी बात कर रही हो मलकिन? है कैसी बता रही हो तुम?
तुमका अपनी बिटिया तन को मोह माया नहीं है। मीनू की तबीयत ज्यादा सीरियस है क्या? क्या उम्मीद क्या है उसकी? आप कैसी उम्मीद की बात कर रहे हैं? मीनू तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल। हाँ, उसकी बीमारी अपनी जगह है, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसके लिए घबराया जाए। अरे डॉक्टर, मुझे पता चला कि उसकी हालत नाजुक है और मैं... किसने कहा आपसे कि उसकी हालत नाजुक है? यही कहीं हॉस्पिटल फोन। नो नो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। शी इज परफेक्टली फाइन, नथिंग इज अबाउट टू वरी। आर यू श्योर? या ऑफ कोर्स, एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि चिंता की कोई बात नहीं है। आप सही कह रहे हैं। यस पंकज जी, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप खुद जाकर वार्ड में देख लीजिए। सॉरी डॉक्टर, गुड नाइट। नो प्रॉब्लम, गुड नाइट। ये क्या मजाक है? समझा? ये कितनी रात में फोन करवाया है कि तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगी, तुम्हारी जिंदगी की आखिरी रात है, मरने वाली हो। व्हाट नॉनसेंस! मैंने आपकी नींद खराब कर ली ना? मीनू, कोई तरीका नहीं है, खुद भी परेशान और दूसरों को भी परेशान कर रही हो। तो तुम ही बता दो ना, कौन सा तरीका जिसे तुम मान जाओगे? मुझे नहीं पता, बस तुम ये बताओ कि तुमने किस लिए बुलाया? तुम्हें देखने का मन कर रहा था। इस तरह के बहाना करके? अगर मौत का बहाना नहीं बनाती तो तुम क्या आते यहाँ? तुम्हारी सारी हरकतें बच्चों जैसी। अरे कुछ तो सोचती। तुम्हारे सिवा कुछ और सोचने की फुर्सत ही कहाँ है मेरे पास? तुम भी ना। तुम अचानक से इतनी टेंशन में क्यों आ गई हो? अरे मैं अचानक टेंशन में नहीं आई हूँ सागर, मुझे मम्मी पापा की बहुत चिंता हो रही है। तो फिर तुम अपनी नींद क्यों उड़ा रही हो उन्हें याद करके? अरे जब मुझे नींद नहीं आ रही तो मैं क्या करूँ? सोनिया, यही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अपनी नींद क्यों उड़ा रही हो। चलो चलकर सोते। सागर तुम्हें बहुत नींद आ रही है ना, तुम जाकर सोचो। सोनिया, इस तरह अपने आप को परेशान करने से समस्याओं का हल नहीं होगा। क्यों परेशान कर रही हो अपने आप को तुम? देखो सागर, मैंने तुमसे कहा ना मुझे नींद आएगी तो मैं आ जाऊंगी। प्लीज अभी मैं अकेला छोड़ दो। सोनिया प्लीज, चलो चलो प्लीज उठो। तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? सोनिया, अगर मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूं तो कौन करेगा? इस तरह रात भर जागोगी तो बीमार पड़ जाओगी तुम। हो जाने दो, मैं भी मर जाऊंगी। तुमने मेरी मेरी बात ना मानने की कसम खा रखी है क्या? तुम मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? सोनिया, तुम जितना अकेला रहोगी तुम इतनी परेशान होती जाओगी। मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? ठीक है, तो एक काम करो, तुम यहाँ पे रुको, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, ठीक है? और हाँ, मैं छत पर जा रही हूँ, मेरे पीछे पीछे मत आना। मुझे नींद आई तो मैं आ जाऊंगी। हे मिलिकार,
हमको तो बहुत ही डर लग रहा है, धड़कन धोखने की तरह चल रही है। अरे मलकिन तुम काहे डराए रही हो हैं? हम है ना तुम्हारे साथ में। अरे ये कौनो बिगुआ हुआ घूम रहा है का जो तुमका खा जाए? बिगुआ की बात नहीं है मलिका, हम तो सोच रहे हैं अगर कौनो ने हमको पहचान लिया तब क्या होगा। अरे मलकिन तब की तब देखी जाएगी बहन, तो बस कौनो तरह से देख लिया जाए कि अपनी बिटिया हिफाजत से है, हमको इत्मीनान हो जाएगा। अरे पर खाली देख लेने से कैसे पता चलेगा कि वो ठीक से है, सुख से है? इतने दिन नहीं देखे तो चैन नहीं पड़ेगा है? अब बहन तो सिर्फ बिटिया के देख लिया जाए के बाद फिर यहाँ आवे के कौन और जुगाड़ किया जाए, समझे हो? अरे मतलब हम लोगन को बार बार भेस बदल के आना होगा यहाँ पर? ये मलकिन वक्त पड़े पे राजा महाराजा भी भेस बदल के आवत है, समझे हो? हम लोग के तो कौन न कौन जुगाड़ करेंगे पड़ी। अरे पर हमसे नहीं होगी नौटंकी बार बार। ठीक है अब बहन तो जाओ, देखो मोहम्मद टांग फैला के सो रहा है, जाओ जल्दी से। अरे नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, हमें कहा भेज रहे हैं, आप खुद ही कहा नहीं चले जाते? देखो हमारा तुम्हारा पहले ही तय हुआ रहा कि अंदर तुम ही जाओ पहले। हमको तो लागत है अंदर लोग जाग रहे हैं अभी भी। हे मलकिन ये बखत भला कौन जाग रहा होगा? तुमका एक बार बताओ, तुम अपनी बिटिया के देखा चाहत हो कि नहीं? हाँ ये तो है, हमका तो बहुत मन कर रहा है अपनी बिटिया को देख। अरे देखिए सोच लीजिए, सोच विचार करबो ना तो इंसान हो जाए। जांच विचार बात बताओ, अब इतनी रात में बुलाया है तो बताना तो पड़ेगा ना, बोलो। मुझे सचमुच में ऐसा ही लग रहा है कि मेरी आखिरी रात है। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मेरी डॉक्टर से अभी कॉरिडोर में बात हुई, ये तुम्हारे मन का वहम है, इसे जितनी जल्दी हो सके निकाल के बाहर फेंको। कि मेरे मन का वहम नहीं है, कि मेरी सिक्स सेंस है जो मुझे बार बार ये सोचने पर मजबूर कर रही है। लेकिन जो डॉक्टर ने कहा वो झूठ नहीं हो सकता। पर हर बात सही हो ये भी तो नहीं होता ना। मीनू मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। क्या? कि तुम्हें अपनी जिंदगी को लेकर इतने डरावने बुरे ख्याल क्यों आ रहे हैं? तुम्हें अपनी जिंदगी से मोह नहीं है, अपने आप से प्यार नहीं है? जब मौत सामने खड़ी होती है ना तब कोई मोह माया नजर नहीं आती। ये बात मैं कई बार सुन चुका हूँ, बार बार दोहराई जाने वाली बातें मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आती है ना? देखो तुम्हें सबसे पहले अपने बारे में समझना चाहिए और सोचना चाहिए। मरने वाला सिर्फ यही सोच सकता है कि उसकी कौन कौन सी इच्छाएं अधूरी रह गई। तो क्या तुम्हारी तबीयत के बारे में सोचना छोड़ दें? हाँ मेरी जिंदगी की किताब अब बंद होने वाली है, और अगर इस पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा गया तो बस ये मेरी आखिरी रात है, और मैं चाहती हूँ कि क्या मेरी मांग में सिंदूर भर दो। कम से कम एक रात के लिए तो मैं सुहागन बन सकूंगी। इससे क्या मिल जाएगा तुमको? एक सुकून की मौत। बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। सिर्फ तुम्हारा ठीक तरीके से इलाज होगा जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती पूरी तरह से, तक तुमसे कोई बात नहीं करेगा। ओके ठीक हो जाओ